गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ. दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. सो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज 13.7 का सॉल्व करने जा रहे हैं. अगेन, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे उनमें भी वॉल्यूम गिवन होता था और किसी में हमने हाइट गिवन होती थी और हमने रेडियस या डायमीटर फाइंड किया. बट दिस टाइम अब वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है, आपने तीन इसके पार्ट्स जो है वो प्रूव फाइंड करने हैं. वो है हाइट ऑफ द कोन, क्या होगी हाइट इस कोन की, स्लांट हाइट क्या होगी और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा. हाइट मालूम करनी है, स्लांट हाइट मालूम करनी है, हाइट भी मालूम करनी है, स्लांट हाइट मालूम करनी है, जबकि डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम जो है 9856 गिवन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डायमीटर क्या है, दैट इज 28 सेंटीमीटर. सो बच्चों, रेडियस आर कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, करेक्ट. अब हम जो गिवन चीज है वो है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन वो है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जो चीज गिवन है उसी के फॉर्मूला बताया है आपको. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856, ठीक है. सो ये आपने लगा लिया. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. 1/3 पाई, सो पाई की वैल्यू आपके पास 22/7. आर आपका आ गया 14, लेकिन दो बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है. और एच हमें नहीं मालूम, 9856. That means सबसे पहले H पॉइंट हो जाएगा. सो 7 1 7 2 से काट सकते हैं आप इसको, ठीक है बच्चों. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 14s are 28 into 22 upon 3 और साथ में H है is 9856. सो दैट मीन्स H जो होगा वो 9856 into 3 अपॉन 22 into 28. चलिए आप देखते हैं कि इनमें से कुछ कटता है या नहीं. फोर से कट कर रहे हैं, 4 7s are 28, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 6s are 24 और 4 4s are, ठीक है. और देखते हैं किससे कटेगा ये. अगर हम 7 3s are तो 3 7 से भी कट सकता है, 7 1s are और भी कटेगा, 7 3s are 21, 3 7 5s are 7 2s are. अब आप इस 22 को कट करेंगे तो 22 क्या होगा, 11 2s are 11 3s are 2s are 2 1s are 2 16. तो 3 into 16, दैट मीन्स हाइट जो आ गई, हाइट वो 48 सेंटीमीटर आ गया. सो हाइट हमारे पास आ गई 48 सेंटीमीटर. पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, हाइट ऑफ द कोन जो आ गई इज 48 सेंटीमीटर. अभी हमने स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट, दैट इज स्लांट हाइट. सो स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी बच्चों. हाइट तो हमारी आ गई 48 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट एल जो होता है फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. सो रेडियस आपके पास 14 का स्क्वायर है और हाइट अभी 48 का स्क्वायर आ गया. सो 14 का स्क्वायर दैट इज 196. 48 का स्क्वायर आएगा 2304. दोनों को बच्चों 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304. अब इनको सॉल्व ऐड करेंगे तो 2500 आ जाएगा और 2500 किसका रूट होता है, दैट इज इक्वल टू 50. सो देयरफॉर स्लांट हाइट कितनी आई, स्लांट हाइट वो आ गई 50 मीटर. सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आ गई स्लांट हाइट ऑफ कोन. अब तीसरा पार्ट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. पाई 22 बाय 7,
आर इज 14 और एल अभी आपके पास 50 आ गया, 7 से काट दो 14 आया बच्चों, 44 इंटू 50 तो कितना आएगा 0 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट निकालने के बाद हमने सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर।